तेरे को मैं खुला कह रहा हूँ झूठ बोलना सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लोकतांत्रिक के सबसे बड़े मंदिर में खड़े होगा झूठ बोल रहा हमारे प्रधानमंत्री ने, ये एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन कहाँ रह गया? ऑप्शन जब देते प्रधानमंत्री, जब कानून नहीं बने थे उससे पहले ऑप्शन था, अब ऑप्शन है ये, अब तो कानून बन गए, तो झूठ नहीं बोल रहा प्रधानमंत्री ने। एक दिन यू रात को उठा कर ले, कल को नोटबंदी है भाई, आतंकवादियों के हाथ में चले गए सारे नोट। जो अपने घर वाले के नहीं हुई है, जो अपने घर वाले के नहीं हुई है, मन की बात सबकी करे, उसकी मन की बात निकली आज तक। नुक है थैली पीट के, नुक है बेटी बढ़ाओ बनाओ बेटी बचाओ। 5 साल की लड़की था, 20 साल की लड़की, 25 साल की लड़की चोराओं पर भीख मांग रही, मैं नहीं देखती क्या सरकार को। दो काम किसान करेगा, कोई भी किसान कर्जा नहीं लेगा, सरकार पता लिख दो किसानों को कोई कर्जा दिया जाएगा, और अगली 4 साल में इसके देश का कर्जा किसान पार देगा। आधार कार्ड दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि 8 दिन पहले जब मैं बोल रहा तो किसी पत्रकार ने मुझे कहा आधार कार्ड कहाँ है, तो मैं पूर्ण किसान हूँ, ना मैं आतंकवादी, ना खालिस्तानी, ना चीन का समर्थन, ना पाकिस्तानी, ठीक। मेरा सवाल सीधा प्रधानमंत्री जी को है, जो 8 दिन पहले मैं प्रधानमंत्री जी को यह कहा था, महा झूठा है, मैं आज उसे साबित करूंगा महा झूठा कैसे है, सुनो। उसके तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री जी संसद में आते हैं, यानी 8 दिन पहले, मैं बोल रहा था 10 दिन पहले, उसने झूठ कितना बड़ा बोला, पूरे देश को गुमराह, पूरे किसानों को बोले बाले। अब ये आप 3 जो कानून है, ये एक ऑप्शन है, आप इधर जाइए इधर जाइए इधर उधर क्या जाइए, ये कानून है, एक ऑप्शन क्या क्या गुंजाइश रहेगी इसमें बताए प्रधानमंत्री, पूरे देश के किसानों को बताए, इतना बड़ा झूठ बोलने का काम क्यों करा, ऑप्शन कहाँ रह गया इसमें? जब एक कानून होगा सब 2 बीघे वाले पे, 100 बीघे 500 बीघे वाले पे भी समान लागू होगा कानून, ठीक जी। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री वहां झूठे इसलिए है, जो इतना बड़ा झूठ बोले 1-2 साल तो यूं ही रास्ता नहीं पाता, झूठ है सही है, ठीक। ये प्रधानमंत्री जी की कहानी है, वो तो कह रहे भ्रम में आप लोग, भ्रम में कैसे है वो हमें बताओ, कैसे लाभदायक है मैं बताओ, काला कानून कैसे है ये? वो तो कह रहे हैं ना कि एक भी किसान मुझे बता, मैं बताऊ नहीं, मेरी सुनो ना, मैं जैसे झूठा कह रहा प्रधानमंत्री को आधार कार्ड दिखा के, और मुझे पूर्व प्यार करवाएगा कोर्ट में भी कमा। लोकतांत्रिक के सबसे बड़े मंदिर में खड़े होगा झूठ बोल रहे हमारे प्रधानमंत्री ने, ये एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन कहाँ रह गया? ऑप्शन जब देते प्रधानमंत्री, जब कानून नहीं बने थे उससे पहले ऑप्शन था, अब ऑप्शन है ये, अब तो कानून बन गए, तो झूठ नहीं बोल रहा प्रधानमंत्री ने। मान तो गए, गलती मानी तो है, गलती तो मानना मैं मुंह मारे, एक उनका दलाल मंत्री हरियाणा में बैठा, मतलब किसान शहीद हो गए, तो घर भी मर जाते, नॉर्मल मौत है, और मैं हंसरा अगर अर्थी निकलती है तो किसी भी धर्म जाति नहीं देखी जाती, लोग उसको पहले जो है प्रणाम करते हैं अपने, और इस देश में हर एक मजहब हर एक धर्म का किसान है, क्या किसान एक ही जाति का है? इब्जाटू बगैर रही है, वो तो आपको परजीवी कह दिया ना, नहीं परजीवी भी कह दिया उसने, तो निठल्ले कह दिया कि रेल मंत्री बन रहा कृषि मंत्री, वो निठल्ले कह रहा, आतंकवादी कह रहा, माओवादी कह रहा, क्यों रेल तो बेच खाई? मैं रेल मंत्री से सवाल करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री तो करूँ मैं रेल मंत्री था, ये जो पीयूष गोयल का ही कर रहा, जो चुकरते के दिल्ली के जो रेल है, जो लोकल रूट थे, मैं बंद क्यों है? मैं रेल कहाँ गई? जो लाखों मजदूर दिल्ली या दिल्ली जगह से रुमा आते थे, उनके जेब पर ढंगा पड़ रहा, मैं मोटरसाइकिल में रुपए का तेल भूख कर या बस में आ रहे, मैं पास बनवा कर आते हैं, मैं रेल कहाँ गई? जब कोरोना है, अब कोरोना एटमोसफेयर पूरे देश की खोल देना, मैं रेल कहाँ गई? मैं सवाल, मेरे सवाल का जवाब दे। लोग तो कह रहे हैं ना कि देश हित में अगर 100 रुपए पेट्रोल है तो कोई बात नहीं, खरीदेंगे लोग, तो नहीं, लोग तो कुछ ही कहने लगे, इनके दौर तो रुपए है, इसने सबसे पहले तो ही आतुई, इसने पूरे देश को डराने का काम करा, एक दिन यू रात को उठा कर ले, कल को नोटबंदी है भाई, आतंकवादियों के हाथ में चले गए सारे नोट, जमा नहीं हुए सारे। दूसरी, पिछली योजना में 100 अरब रुपए, 4.5 लाख रुपए है, 4.5 लाख आदमी है मालदीव में, 100 अरब रुपए दिया था इनका घुमाते में, यो कहीं अकुल टैक्स दिया हुआ, देश की संपत्ति दिया हुआ, जी मेरा देश गरीब है, गरीब देश का प्रधानमंत्री आई हूँ, ये जो है इनका संसद भवन बिना ढाऊ और सारे प्रगति मैदान पड़वा का सुप्रीम कोर्ट में बनवा लग रहा, कहता है रहा पैसा, सारा पैसा सबका जमा करके, भारत सरकार का पैसा है ना, भारत सरकार का किसका था, हमारा हम टैक्स देते हैं, किसानों का पैसा है, पूरे देश का सरकार बनाई है, सरकार बनाई है, तो शैतान बैठ गया,
तो चुनाव बता शैतान हो गया उस माँ बेटे को बता माँ को बाप को बता के तेरा शैतान पैदा हो जाएगा यो ऐसा शैतान पैदा हो गया शैतान कह रहे हो आप सर प्रधानमंत्री को मैं खुला कह रहा हूँ झूठ बोल रहा शैतान मैं झूठ नहीं बोल रहा झूठ नहीं बोल रहा मारे प्रधानमंत्री जी झूठ यू मारा कह रहा था किसानों का यू किसानों को नहीं ठल्ले आतंकवादी कैसे कह रहे अच्छा वो ये कहते हैं लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने देश का नाम पूरी दुनिया में कर दिया हाँ, हाँ, कर दिया हाँ, कर दिया इस देश के सब भिखारी कर दिए किसान भी भिखार कर दिए और अपने घरवाले की बात एक बार करी मन की प्रधानमंत्री है शैतान लगे हो तो क्या काम है अच्छा वो तो ये कहते हैं ये युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है अमेरिका में जाके कहते हैं अमेरिका में कुछ नहीं कहने लगा अमेरिका में तो वो बैठा था जी ट्रंप बैठा था वो कहाँ गया वो तो चला गया ना और इसका भी यही हाल होगा अच्छा बड़ा झूठ बोल रहे हैं मैं यू कहूँ फिर भी नू कहूँ प्रधानमंत्री जी यू देश गरीब है नू कहे थैली पीट के नू कहे बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ पांच साल की लड़की था बीस साल की लड़की पच्चीस साल की लड़की चौराहों पर भीख मांग रही मैं नहीं दिखती क्या सरकार को केंद्र सरकार को लाखों करोड़ का बजट वैसे पानी के भाव है रे अपने 32 बार फिल्टर होकर पानी पीवा है मैं नहीं देखता लोगों को गरीब लोग भूखे मर रहे ये डराने का काम कर रहे थे पूरे पूरे देश को कोरोना कोरोना के मैं इंदौर में था जब अच्छा। मैं किसान के साथ मजदूर भी हूँ एक जब कोरोना आया था कोरोना आया कोरोना ऐसी चीज ठीक है भाई आज प्रधानमंत्री जी कह रहे अब 24 घंटे के लिए थाली पिटवा रहे फिर और देश बंद कर दिया कोरोना कल को आके खा जाता इस देश को 10 दिन का 15 दिन का समय देते अपने सब घर पहुंचो मैं इंदौर तक चल के पैदल आया था मेरे साथ और लोग भी थे जब यहाँ दिल्ली में पहुंचे हम बाबू के नाम फिरे थे निंगा बाबा जी ने आके बॉर्डर बंद कर रखा था यूपी का यूपी में कोई नहीं बढ़े यूपी में कोरोना लिया ये खाजा की साबत यूपी को ऐसा ना करो ऐसा ना करो जनता की एक बात बताऊं दुखी आदमी और नहीं के कुछ भी कहे तुम दुखी आदमी को पिट्ठा लगो या गरीब हो वो नु कहेगा तेरा नाश होगा और उसकी बस की कुछ नहीं ये गरीब हमारा देश गरीब है मेरे और मैं दावे के साथ मैं कहूँ प्रधानमंत्री तीन काम करो इस देश का किसान दो उसके लिए करेगा पूरे देश के लिए तीन काम कौन से है एनएसपी को कानून का जामा पहनाओ तीनों कानून रद्द करो और पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ करो दो काम किसान करेगा कोई भी किसान कर्जा नहीं लेगा सरकार बता लिख दो किसानों को कोई कर्जा नहीं दिया जाएगा और अगले चार साल में इसके देश का कर्जा किसान पार देगा ईमानदारी के ये ईमानदारी के है किसान फंड का पता चला इसका पीएम फंड का प्रधानमंत्री जी के फंड में कितना दिया पता किसी को तो वो कह तो रहे हमने लगाया कहाँ लगा दिया कहाँ लगा दिया नूदा हिसाब देते चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।